बेबाक खबर, बेखौफ खबर, सही खबर, सबकी खबर, खबर सब तक। गिसारा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में इस वक्त मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पे बीती रात एक दुखद घटना हुई है कि दो नवयुवक, एक 16 साल के, एक 17 साल के, दो बच्चे की घटना हुई जिसमें एक की मौत हो गई है। मामला जो है परसौनी थाना क्षेत्र के गिसहरा पंचायत के मुसहरी टोला का है, और जो लड़का है वो लड़का का नाम क्या नाम है गौरी सहनी है, पिता नथुनी सहनी। दो परिवार के दो बच्चे एक ही साथ एक बाइक पर रात में निकले, ऐसे ही घूमने फिरने निकले, और बाइक का जो है दुर्घटना हो गया, जिसमें दोनों बच्चे में से एक बच्चे गौरी शंकर की तो जो है मृत्यु हो गई। वही दूसरी ओर जो उनके साथ बच्चे थे मनोज सहनी के लड़का क्या नाम उनका, मनीष कुमार हॉस्पिटल में, अभी हॉस्पिटल में है, उसको बेहतर इलाज के लिए अब चल रहा है, मतलब आईसीयू में भर्ती है, उसे कुछ कहाँ भेजा गया, मुजफ्फरपुर है, यहाँ से जो है सीतामढ़ी ले जाया गया, और उसके बाद उसकी स्थिति सही न होने के पश्चात सीतामढ़ी से उस बच्चे को भी जो है मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल भेजा गया है। खबर सब तक चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मैं यह बताना चाहता हूँ, अक्सर आपके बच्चे भी, आपके समाज के बच्चे भी, जिनकी उम्र काफ़ी कम होती है, जिनको गाड़ी चलाने नहीं आता है और वो गाड़ी लेके सड़क पे निकल जाते हैं, तो इस तरह के हादसा के शिकार हो जाते हैं, और इसका अफसोस परिजनों को, घर वालों को बहुत अफसोस होता है। खबर सब तक आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से सड़क पर ना निकलने दें, और अपने बच्चों को जिनको गाड़ी चलाने नहीं आती पी खा आप गाड़ी ना दें, और पी खाकर शराब के नशे में गाड़ी ना चलाएं। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। हम यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि दोनों बच्चे के साथ क्या हुआ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनकी भी तस्वीर दिखाएंगे। क्या नाम है आपका, क्या हुआ है, यानी ये दोनों लोग अपने से अपने से हो गया, खाई में गिर गया, खाई आठ बजे के बाद, हाँ आठ बजे सुबह। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आदमी से खबर मिला है। चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ एक और भी लोग हैं। क्या नाम सर आपका, सुनतुन सानी है मेरा नाम। जी ग्यारह नंबर वार्ड से, तो 8 बजे के आसपास में ऐसे ही घूमने फिरने के लिए निकला था लड़का, निकलने के बाद में 10-15 मिनट के बाद खबर मिला यहाँ पे, खबर मालने के आदमी पहुँचा वहाँ पे तो पड़ा हुआ था, रोड के साइड में खाई है, माटी कटा हुआ है, मतलब 6-7 फीट के आसपास में, तो उसके अनुसार वहाँ के आसपास के लोग था, दौरा उठा के रखा हुआ, जब तो बहुत बेहोशी हालत में था, मतलब उसको होश ही नहीं था दोनों को, किसी को भी वहाँ से उठा के गाड़ी में, होश क्या, नशे में था क्या? नशे में नहीं था सर, नशे में नहीं था। लेकिन गाड़ी तेज चला रहा था, थोड़ा सा गाड़ी के बैलेंस बिगड़िया क्या हुआ तो हमने तो देखे नहीं उतना, मगर वहाँ से उठा पठा के लोगों ने टेम्पो गाड़ी करके हॉस्पिटल लेके, हॉस्पिटल से वहाँ पर क्या रिजल्ट दिया उन्होंने सही से हम पता भी नहीं है, वहाँ से लेके रेफर कर दिया हॉस्पिटल से सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर में ICU में भर्ती है अभी एक लड़का जो मृत्यु हो चुका है, हाँ जी न्यूट्रिशन की बेटा है। क्या लापरवाही हो सकता है, आप क्या एक्सेप्ट किए वहाँ जाने के बाद, को पता गाड़ी की लापरवाही है, आजकल छोटे बच्चे को गाड़ी ना दें, कोई तरह से नशा ना करें, हम तो यही कहेंगे आज आने वाले जितने बच्चे हैं, जितने बूढ़े हैं, सभी को नशे से मुक्त करना चाहते हैं, मुक्त हो, गाड़ी घोड़ा से दूर रहे, रोडों से, अपने घर में, दुनिया जहाँ में, अपने परिवारों में सुरक्षित रहे, हम यही करना चाहते हैं। अभी ऊपर वाले से, भगवान से यही कृपा मनाते हैं, जो है अभी जिंदगी बचे हुए उनको सही सलामत यहाँ तक पहुँच जाए। जैसा कि हमारे साथ ये व्यक्ति खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग, आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो अपने जीवन को जो है सुरक्षित रखें, और बच्चों के साथ खास करके लापरवाही ना करें, बच्चों को गाड़ी ना दें, और
बच्चों को अगर गाड़ी चलाने नहीं आती है तो गाड़ी उनको ना दे। अक्सर बच्चे इस तरह से जो है गाड़ी लेके सड़कों पर निकल जाते हैं जिनको गाड़ी चलाने नहीं आता, और ओवर स्पीडिंग भी चलते हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से ही ऐसा हादसा हुआ है। ओवर स्पीडिंग हादसा हुआ इसके ओवर स्पीडिंग के वजह से हादसा हुआ है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से जो है यह हादसा हुआ है, तो खबर सब तक आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि यहाँ पे अपने टोले में आप अपने बच्चों को गाड़ी ना दें। जो बच्चे जिनको गाड़ी चलाने नहीं आता, अक्सर जो है 12 साल 13 साल 15 साल जिनके पास जिनको होश नहीं होती है, नए युवक होते हैं, वह इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं कि गाड़ी स्पीड तो चला लेते हैं, दुर्घटना हो जाता है और बाद में उनके परिजन को काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी रोते बिलखते रह जाते हैं। खबर सब तक आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से गाड़ी ना देंगे और आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। खबर सब तक इसकी कामना करता है और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इन सब जैसी घटनाओं से लोग बचें। कैमरामैन सनी के साथ मैं हूँ सादिक रियाज, आप देख रहे हैं खबर सब तक।